बेरोजगारों पर भारी पड़ती है और नियुक्ति शिक्षकों के लिए फायदे का सौदा बनती नजर आ रही है। दो दिन पहले करीब 26,000 पदों पर जारी की गई कट ऑफ लिस्ट में एक बार फिर से ये नजारा देखने को मिला है। करीब 7 से 10 हजार ऐसे शिक्षक हैं जो कि पहले से ही स्कूलों में नियुक्त है। एक बार फिर से कट ऑफ में इनका नाम आने से नियुक्ति प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। तो वहीं जिलों में बदलाव के लिए इस प्रक्रिया का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। तो रीट की 3 साल की मान्यता बेरोजगारों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। पहले से नियुक्त शिक्षकों का लिस्ट में नाम शामिल है। दो दिन पहले ये लिस्ट जारी की गई थी। 26,000 पदों के लिए लिस्ट थी और जो लोग पहले से ही बतौर शिक्षक काम कर रहे हैं उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। सवाल ये कि आखिर उनका नाम इस कट ऑफ में आया कैसे? नियुक्ति प्रक्रिया पर अब बड़े सवाल उठने लग गए हैं इसकी पारदर्शिता को लेकर और निष्पक्षता को लेकर। 3 साल की मान्यता रीट की बेरोजगारों पर भारी है। पहले से नियुक्त शिक्षकों के नाम लिस्ट में आ रहे हैं जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ललित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, अपने आप में बहुत बड़ा ये सवाल है कि जो ऑलरेडी टीचिंग स्टाफ है उसका भी नाम कट ऑफ लिस्ट में आ रहा है, तो बेरोजगारों के साथ ये मजाक क्यों? बिल्कुल आस्था, अगर इस पूरे मामले को शुरुआत से समझे तो जो राजस्थान में रिट के सर्टिफिकेट की मान्यता है वह 3 साल है। 3 साल में भर्तियां 3 बार निकलती हैं। ऐसे में एक सर्टिफिकेट की अगर 3 साल की मान्यता है तो उस सर्टिफिकेट के आधार पर 3 बार आवेदन करके और नियुक्ति पाई जा सकती है। ऐसे में कई ऐसे शिक्षक हैं जिसकी नियुक्ति पहले हो चुकी है लेकिन वह सर्टिफिकेट के आधार पर एक बार फिर से आवेदन कर देते हैं और अगली जो कट ऑफ लिस्ट जारी होती है उसमें भी ऐसे